हॉकी वर्ल्ड कप में बड़ा मैच, भारत और वेल्स का मुकाबला, वेल्स टीम की अनकही कहानी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का सामना वेल्स की टीम के साथ होने वाला है। टीम इंडिया के अब तक के सफर की बात करें तो टीम ने दो मैचों में 4 पॉइंट लेकर क्वार्टर फाइनल की होड़ को बचाए रखा हुआ है। वेल्स टीम की बात करें तो वह लगातार अपने 2 मैच हार चुकी है और नॉकआउट की रेस से बाहर होने के करीब है। लेकिन वेल्स टीम के हॉकी वर्ल्ड कप के प्रदर्शन से ज़्यादा उनकी स्टोरी इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है और लगातार सभी फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार वेल्स टीम की ये स्टोरी है क्या। वेल्स हॉकी टीम की बात करें तो टीम के सभी खिलाड़ी मिलजुल करके बने हैं। कोई भी खिलाड़ी परमानेंट तरीके से हॉकी नहीं खेलता है और जीवन चलाने का उनके लिए ये कोई उपाय नहीं है। टीम में कोई खिलाड़ी साइंटिस्ट है तो कोई इंजीनियर है, कोई स्कूल में टीचर है और सभी खिलाड़ी जॉब करते हैं और पार्ट टाइम के लिए हॉकी खेलते हैं। टीम में कुछ एक ही खिलाड़ी हैं जो पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हॉकी टीम को पूरा समय दे पाते हैं। बता दें कि ज़्यादातर खिलाड़ी टीम के लिए अपने जुनून और हुनर के लिए टीम के साथ जुड़े हुए हैं और टीम के जुनून और हुनर ने ही टीम को आज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करवाया है और टीम आज भारत के साथ मुकाबला खेलने वाली है। वेल्स टीम के भारत आने के पीछे के किस्से की ओर नज़र डालें तो टीम के पास वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में टीम ने क्राउड फंडिंग को चंदा जुटा करके भारत आने का निर्णय किया और टीम क्राउड फंडिंग के जरिए यहां तक पहुंची है। हालांकि टीम ने एक बड़ा लक्ष्य क्राउड फंडिंग के लिए रखा था। टीम 25,000 पाउंड जुटाने के लिए टारगेट रख कर के क्राउड फंडिंग जोड़ रही थी लेकिन टीम को केवल 5 लाख रुपये ही मिले। 25,000 पाउंड का मतलब 25 लाख रुपये। टीम ने इसके बाद खुद अपने जेब से पैसे मिलाए और वर्ल्ड कप खेलने के लिए खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ियों को सरकार से किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही कोई टीम के पास स्पॉन्सर है। टीम के खिलाड़ी सभी अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं। हर साल 1,000 पाउंड यानी कि करीब 1,00,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन सभी खिलाड़ी करते हैं जिससे हॉकी स्टिक्स, बॉल, अन्य इक्विपमेंट के खर्चे निकलते हैं। इसके अलावा टीम अब तक वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 30 की रैंकिंग से भी बाहर थी लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ियों की मेहनत है अब टीम टॉप 15 में पहुँच चुकी है और लग रहा है कि जिस तरीके से टीम इस वक्त खेल रही है जल्द ही टीम हॉकी वर्ल्ड कप में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेगी। वेल्स टीम के अचीवमेंट की ओर नज़र डालें तो साल 1908 में टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 1978, 1999, 2019 में यूरो हॉकी चैंपियनशिप में 6ठा स्थान मिला था। 2017 यूरो हॉकी चैंपियनशिप में टीम को सिल्वर मेडल मिला था। इसके अलावा 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम 6ठे स्थान पर रही थी। वहीं अब बात करें अगर 2022 हॉकी वर्ल्ड कप यूरोपियन क्वालिफायर की तो टीम ने 1ला स्थान हासिल किया और हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके अलावा टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए अपनी सैलरी कटवाते हैं। सभी खिलाड़ी शनिवार को एक साथ इकट्ठा होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इस दौरान शनिवार और संडे को सभी लोग एक साथ जुट कर के प्रैक्टिस करते हैं और दफ्तर से छुट्टी कई खिलाड़ियों को लेनी पड़ती है जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी कटती है। सोमवार से शुक्रवार सभी अपनी अपनी जॉब करते हैं और वीकेंड पर अपनी टीम के लिए प्रैक्टिस करते हैं और अपनी टीम को समर्पित करते हैं। टीम के खिलाड़ी बताते हैं कि वेल्स टीम के पास केवल एक ही ग्राउंड है, ना ही ज़्यादा सुविधाएं हैं। टीम के पास एक मैदान है जहां पर 400 लोग ही मैच देख सकते हैं। ऐसे में ज़्यादातर खिलाड़ी शौक के लिए खेलते हैं और इसी वजह से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीम को अच्छे मुकाम पर पहुँचा रहे हैं। बता दें कि साल 1908 यानी कि 115 साल पहले वेल्स की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता था। तब टीम ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रही थी और तब से अब टीम की कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। हालांकि टीम का मुकाबला ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ होने वाला है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत और वेल्स की टीम आमने सामने होंगी जहां पर एक बड़े मुकाबले की, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के लिए मुकाबला क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहरहाल आपकी जो कुछ राय है वेल्स टीम की इस अनकही कहानी को लेकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।